भारत और बांग्लादेश ने शनिवार को समुद्री क्षेत्र और समुद्री अर्थव्यवस्था में संबंधों को बढ़ावा देने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के बीच व्यापक बातचीत के बाद समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए इन समझौतों में डिजिटल डोमेन में संबंध मजबूत करने और हरित साझेदारी को लेकर एक समझौता भी शामिल है। दोनों देशों के बीच रेलवे संपर्क बढ़ाने के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। समझौतों के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा कि आज हमने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए भविष्य का विजन तैयार किया है। हरित भागीदारी, डिजिटल भागीदारी, समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति से दोनों देशों के युवाओं को फायदा होगा। वहीं अपने बयान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को बांग्लादेश का प्रमुख पड़ोसी और भरोसेमंद दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी है, भरोसेमंद मित्र और क्षेत्रीय साझेदार है। बांग्लादेश भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है, जो 1971 के मुक्ति संग्राम से शुरू हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों को मेडिकल ई वीजा की सुविधा देने का भी ऐलान किया। इसके लिए भारत सरकार बांग्लादेश के रंगपुर में उप उच्चायोग खोलेगी। साथ ही दोनों देश तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर चर्चा के लिए तकनीकी टीम भेजने पर भी सहमत हो गए हैं। पीएम मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष के बीच कुल 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें डिजिटल साझेदारी, हरित साझेदारी, मैरीटाइम सहयोग, समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग, रेलवे संपर्क, समुद्री रिसर्च, सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में सहयोग, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंध और मत्स्य पालन संबंधी समझौते शामिल हैं। बांग्लादेशी पीएम ने कहा, मैं बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत सरकार और भारत के लोगों के योगदान को कृतज्ञता के साथ याद करती हूँ। शेख हसीना ने 1971 के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारत के वीर शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आज हमारी बहुत ही उपयोगी बैठक हुई है, जिनमें हमने सुरक्षा, व्यापार, संपर्क साझा, नदियों के पानी के बंटवारे, बिजली और ऊर्जा, क्षेत्रीय बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की है। हम अपने लोगों और देश की बेहतरी के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को भारत पहुंची। लोकसभा चुनावों के बाद भारत में नई सरकार के गठन के बाद ये किसी विदेशी नेता की पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा है। शनिवार सुबह शेख हसीना ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बैठक से पहले बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को एक भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। शेख हसीना भारत के पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के 7 शीर्ष नेताओं में शामिल थी, जिन्होंने 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था।